अस्सलामु अलैकुम। अदालतों से खिलवाड़ करने वाला, अदालतों का मजाक उड़ाने वाला, आज मामूली सी रैली लाहौर में निकाल के गाड़ी से नीचे नहीं उतरा बहादुर आदमी। हमारा बहादुर नियाजी मियां वाली का गाड़ी से नीचे नहीं उतरा, बल्कि जब वो हेलीकॉप्टर ऊपर से आया है ना, तो ये ऐसे करके देख रहा था, ऐसे जैसे देखते हैं ना डरपोक आदमी। बहुत ही डरपोक निकला है यार, बहुत डरपोक निकला है। एक मिनट के लिए भी गाड़ी से नहीं निकला। बताएं ये रैली थी या तमाशा था? क्योंकि इसको बता दिया गया था कि हेलीकॉप्टर आया हुआ है, और वो आया हुआ है। अभी हेलीकॉप्टर वापस नहीं गया। दो अदालतों से इकट्ठे वारंट गिरफ्तारी जारी हुए हैं और चार नए केस आपका इंतजार कर रहे हैं। तो जनाब, बकरे की मां कब तक खैर मनाएगी? एक दिन तो छुरी थले आएगी, ठीक है ना? ये सूरत हाल है। आज इसने सारा दिन गाड़ी में ड्रामा किया, सारा कुछ किया। मरियम नवाज साहबा ने कहा है कि इमरान ने आज अपनी सियासत दफन कर दी। और देखें, तोशाखाना के सारी चीजें निकली है ना बाहर, और मरियम नवाज के ऊपर क्या निकला है? पाइनएप्पल, वो एक छोटा सा जो पाइनएप्पल होता है ना वो। और आपको ये पता है कि जो भी तोशे होते हैं ना, तोशे 30,000 से कम मलियत का तोशा हो तो वो आप रख सकते हैं, और 30,000 से ऊपर का हो तो 1 लाख रुपए का अगर है ना, तो आप 20,000 दे के वो ले सकते हैं, ठीक है? मरियम नवाज के ऊपर इल्जाम लगाया इन्होंने, मानी खान एंड कंपनी ने, फवाद चौधरी ने, और इन्होंने सारे टीवी चैनल वालों ने मिलके उसकी तरफ से आज नोटिस मैंने जारी किया है। वो नोटिस मैंने जारी किया है हर जाने का मरियम नवाज की तरफ से। और नोटिस में मैंने कहा है, वो 92 चैनल है उसके, उसको जारी किया है। उन्होंने इल्जाम लगाए थे मरियम ने, 10 लाख रुपए की घड़ी अपने घर में रखी है 45,000 रुपया दे के, जो कि बिल्कुल झूठी है। और ये प्रोग्राम शुरू हुआ था नवंबर में, 2.5 महीने पहले इन्होंने ये बेईमानी की थी। तो जब ये कल लिस्ट शाया हुई है उसमें मरियम नवाज का कोई जिक्र ही नहीं है, तो वो हमने नोटिस जारी किया है। इंशाल्लाह ताला हम वो केस भी फाइल करेंगे और इनके झूठ सामने लाएंगे आपके लोगों के सामने, इनके झूठ लाएंगे आप लोगों के सामने, ठीक है जी। इसके अलावा ये आपको मैं एक खुशखबरी भी बता दूं, बाकी बातें भी करते हैं, कि मरियम नवाज साहबा ने, ये ब्रेकिंग न्यूज है, मरियम नवाज साहबा ने लाहौर से 3 हलकों से खुद इलेक्शन लड़ने का ऐलान किया है। लो जी, ये ब्रेकिंग न्यूज मैं आपको खुद दे रहा हूं, और किसी ने आपको अभी तक नहीं दी होगी, कि मरियम नवाज साहबा नवाज शरीफ फैसला करेंगे कि कौन कौन से 3 हलके हैं। और उन्होंने कह दिया है कि जनाब इलेक्शन की तैयारी करो। मरियम नवाज साहबा ने जिस तरीके से माशाल्लाह माशाल्लाह भरपूर अंदाज में कंपेन की है तो वो बड़ी शानदार है। तो इमरान नियाजी कहता है कि मरियम नवाज को कंपेन की इजाजत है और मुझे नहीं है। तो आज रैली निकाली है, रैली वैसे भी उसका रैली है, रैली निकाली है ना तूने आज, तो कैसे निकाली है? तो मरियम नवाज ने कहा है कि ये जो तुम देख रहे हो मैं इधर जलसे कर रही हूं, ये आजादी हमने छीन के ली है, खैरात में नहीं मिली, जेलें काटी हैं, कैद खाने भुगते हैं, मैं खुद बाप के सामने गिरफ्तार हुई हूं तब ये आजादी मिली है, तब ये आजादी मिली है। तो इमरान खान ने आज फिर अपने डरपोक होने का सबूत दिया, और आज की रात फिर बड़ी भारी है, ये बता रहे हैं आपको, बड़ी भारी है। हमें बड़े फोन आए हैं कि जी हेलीकॉप्टर हेलीकॉप्टर आ गया था, जब इमरान खान 5 बजे जमान पार्क से निकला तो हेलीकॉप्टर आ चुका था। हेलीकॉप्टर ने पूरी परवाज की है, कोई मौका मिलने की कोशिश की है लेकिन मौका नहीं मिला।
लेकिन बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी। यही तो हम कह रहे हैं, इंशाल्लाह एक दिन छुरी थल्ले आएगी। तो बाकी जनाब अली, आप नवाज शरीफ साहब ने आज टेलीफोनिक रबता भी किया है, शहबाज शरीफ को भी हिदायत दी है और उन्होंने भी कहे कि तू भी मर्द बच्चा बन, इसको गिरफ्तार करो। ज्यादा केस तो नवाज शरीफ के ऊपर वफाकी हुकूमत के है ना, तो हेलीकॉप्टर भी वहां से आया है, लेकिन ये साजी सिर्फ उसको ना डरा रहे हैं। ऐसे छत्ते में जैसे बच्चे पत्थर फेंक के फिर भाग जाते हैं ना, ये ऐसे कर रहे हैं। अभी ये पकड़ने की नीयत ही नहीं कर रहे। राणा सनाउल्लाह ने ये तो खुद ही कह दिया था कि जब हम पकड़ने की नीयत करेंगे तो फिर हम पकड़ लेंगे, तो फिर पकड़ो। अवाम का ये मुतालबा है कि पकड़ो। आज देखें, इसने रैली में आ सकता है तो अदालतों में नहीं जा सकता। कहता है जी कि उधर मेरी सिक्योरिटी नहीं है। आज बुलेट प्रूफ गाड़ी में बैठा रहा है और वहां अंदर ही सुना है उसका इनकलाब निकलता रहा है। बहुत परेशान था, बहुत परेशानी के आलम में था। उसके वो ऐसे शक्ल वाली वीडियो कहीं मिल गई तो मैं वो थंबनेल पे लगाऊंगा, आप देखना कि कितना इमरान खान परेशान है। तो ये परेशान है और इंशाल्लाह हम फवाद चौधरी के खिलाफ भी कानूनी नोटिस भेजेंगे कि उन्होंने जो ड्रामा किया है कि जनाब मरियम नवाज ने तोहफे लिए हैं, ये किए वो किए, ये झूठे शख्स हैं, झूठ का सौदा है इनका, झूठ का सौदा। ये सारे झूठ के सौदागर हैं, झूठ का सौदा लेके बैठे हैं, बाकी इनके अंदर हकीकत नहीं है। तो बाकी इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे कि इनका पीटीआई का एक बहुत बड़ा ग्रुप जो अंदर ग्रुपिंग हुई है वो इंशाल्लाह ताला टूट के तो दूसरे चीजों में जाएगा। कुछ नून लीग में जाएंगे, कुछ पीपल्स पार्टी में जाएंगे और कुछ दूसरी तरफ जाएंगे। पंजाब जो है ना, ये मुस्लिम लीग नून का गढ़ है। पंजाब में इंशाल्लाह नून लीग भारी अक्सरियत से पहले भी जीती थी, दोबारा भी जीतेगी इंशाल्लाह। पहले भी ये बेईमानियों आरटीएस सिस्टम बिठा के धांधलियां करके सारा कुछ करने के बावजूद भी नून लीग की अक्सरियत थी, जिसको बाद में अकलियत में बदला गया और उस्मान बुज़दार को हमारे सरों पे बिठाया गया, जिसने पंजाब का हुलिया ही तब्दील कर दिया। यकीन करो, हर चीज जो सड़क जहां से टूटी है वो टूटी पड़ी है सड़क, ठीक है। तो आज के दिन भी ये अफरा तफरी में गुजरा है और इमरान ने फिर ऐलान कर दिया कि मैं इतवार वाले दिन मीनार पाकिस्तान पे भी जलसा करूंगा। इंशाल्लाह ताला इतवार से पहले इमरान खान गिरफ्तार हो जाएगा, ये हमारी पेशन गोई है। क्यों नहीं गिरफ्तार करते? और भाई कानूनी तकाजे पूरे करो। अदालतों ने भी आज कह दिए कि क्यों नहीं गिरफ्तार करके हमारे पास लाते। मेरे ख्याल है आईजी पंजाब को और आईजी इस्लामाबाद को अदालत ही मुअत्तल करे कि उसको पकड़ के लाओ। किसकी सुस्ती है? हुकूमत सही तरीके से आ नहीं रही। और ये इतने बेशरम है, वो जिले शाह की वालदा खुद कह रही है कि मेरे बेटे को इन्होंने इमरान खान और इन लोगों ने कत्ल करवाया है, और फिर कत्ल को छुपाने की कोशिश की है कुछ दिन कि भाई वो उसको जरा डिले करके छुपाएं। इनको उसी वक्त पता चल गया था 4 बजे जब हादसा हुआ था, और उसकी एक वीडियो भी वायरल हुई है जिसमें मियां महमूद रशीद साहब कह रहे हैं एक्सीडेंट हुए, एक्सीडेंट हुए, ये कह रहे हैं। लेकिन इन्होंने जानबूझ के उसको छुपाया है और उसको नहीं सामने लाया, उसके वालदैन को भी सही तरीके से नहीं बताया, और उसकी वालदा कह रही है कि मेरा कातिल जो है इमरान खान है, तहरीक इंसाफ है। लेकिन ये उस लाश को भी इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे मरियम नवाज ने कहा है ना कि इनको लाशों की जरूरत है और लाशों की जरूरत गिद्धों को होती है, इंसानों को नहीं होती। अफसोस है, इलाही कैसे होते हैं जिन्हें है बंदगी ख्वाहिश, हमें तो शर्म दामनगीर होती है खुदा होते।